Hello students, in previous video we started the new chapter from EVS book, that is chapter 6, Earth Our Home Too. Okay, in this chapter we will study about wildlife conservation. Till now we study about how we conserve the wildlife, how the wildlife is decreasing day by day. For example, in which we have studied about how the number of animal it decreases. हमने उनके reasons भी हमने पढ़े थे. हमने national animals के बारे में पढ़ा था, अपना India का tiger के बारे में पढ़ा था, हमने differentiate पढ़ा था tiger, leopard and lion के बारे में. ठीक है, उसके बाद हमने project tiger के बारे में पढ़ा था. ठीक है, next आज हमने start करना है white tiger से. बेसिकली आपने क्या कहते हैं, सिंपल टाइगर, टाइगर आपने देखा होगा, वाइट टाइगर होता है वो. क्या कहते हैं उनकी, जो अगर हम अमाउंट करें एज कंपैरिजन टू दूसरे टाइगर से, वो लेस होती है. ठीक है, ये टाइगर इन द ईयर 1951 में श्री मर्थंद देव द महाराजा ऑफ रीवा, सबसे पहले उन्होंने एक मतलब कि इस टाइगर की देखा था जब वो हंटिंग करने गए थे. तो वो क्या गए, उन्होंने उसका बच्चा देखा था, कब मीन्स बच्चा, और अपने प्लेस में ले गए थे. ठीक है, जब वो, उसका नाम उन्होंने मोहन रखा था और वहीं पर वो बड़ा था. और वो टोटली एक क्या था, वाइट कलर का, जैसे आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है. ठीक है, इस पिक्चर में जो टाइगर क्या है, उसकी शेप क्या है, वाइट कलर. ठीक है, टू टुडे ऑल द टाइगर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि अगर इंडिया, अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, जितने भी वाइट टाइगर हैं वो किसके सक्सेसर है, किसके उत्तराधिकारी सक्सेसर है, उत्तराधिकारी मोहन के हैं, मीन्स महाराजा रीवा ने फर्स्ट इसे देखा था. ठीक है, वही टाइगर है अब ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उसके बच्चे देखा जाए पाए जाते हैं. ठीक है, उसके बाद है, अब हम टाइगर की बात करें. अब दूसरी बात है कि आप ये देखते हो कि पहले ज़माने में क्या कहते हैं, ईज़िली आप बर्ड्स देख सकते थे, बट अब क्या है, आपको ईज़िली बर्ड्स नहीं मिलेगी. फॉर एग्जांपल है, इन्होंने स्पैरो की बात की है कि जो स्पैरो है, जो पंछी है, जो स्पैरो, वो भी क्या है, अब वो खतरे के कगार में है. खतरे के कगार में क्यों है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो घर क्या होते थे, वो सीमेंट के नहीं बने होते थे, वो क्या किसके होते थे, मिट्टी के बने होते थे. ठीक है, उन मिट्टी के घरों में जो स्पैरो होती थी, उन्हें अपना जो घर बनाना बहुत सारा क्या था, इजी था. बट अब क्या है, उनकी जो हैबिटेंट है, जहाँ वो रहते हैं, वो क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, मीन्स ख़त्म हो रही है. क्यों हो रही है, डिक्लाइन क्यों हो रही है स्पैरो का, रीज़न मीन क्या है, अब क्या है, हमारे यहाँ ब्रिक एंड सैंड के घर बने होते हैं, और इन घरों में जो स्पैरो है अपना नेस्ट नहीं बना सकती, अपना घोंसला नहीं बना सकती. ठीक है, अब नेक्स्ट है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहते हैं, हमने टाइगर की हेयरिंग एंड स्मेलिंग पावर के बारे में पढ़ा था कि जो टाइगर होती है उनकी हेयरिंग पावर बहुत ज़्यादा तेज होती है, स्मेलिंग भी बहुत ज़्यादा तेज होती है. ठीक है, उसके साथ जो बर्ड्स भी है उनमें भी ऐसी ही पावर होती है. ठीक है, जो बर्ड्स क्या होती है, वो पहले ही, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर भूकंप आता है ना, तो उनको पहले ही पता चल जाता है. ठीक है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर भूकंप आता है तो वो क्या होती है, भागने लगती है, मतलब कि वो दूसरी दिशा में, जिस जगह दूसरी जगह में क्या होती है, उड़ने लगती है. ठीक है, फिर वो क्या देती है, वो ह्यूमन बींग्स को नोटिफिकेशन, नोटिफाई करती है कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है. बर्ड्स, स्पेशली एनिमल्स एंड बर्ड्स, इन्हें सबसे पहले पता चल जाता है कि कोई, अगर हम क्लाइमेटीज आ रही है, ये पहले ही उन्हें ह्यूमन बींग्स को क्या देते हैं, इशारा दे देते हैं. ठीक है, उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें, अब हमने कैट के बारे में पढ़ना है. ठीक है, कैट्स भी है आजकल, उनकी भी जो, अगर हम विजन की पावर की बात करें, आंख देखने की पावर की बात करें, वो क्या कहते हैं, ह्यूमन बींग, दिन के टाइम तो ह्यूमन बींग जैसी होती, बट जो रात की पावर होती है वो 6 टाइम बेटर है ह्यूमन बींग से. ठीक है, और उनकी स्पेलिंग पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है ह्यूमन बींग के कंपैरिजन. अगर हम उनके सोने की बात करें, वो एक दिन में 16 से 18 घंटे तक सो लेती है. ठीक है, और वो जब वो सोती है, सोते टाइम भी वो अलर्ट में रहती है कि हाँ, ये नहीं है कि अगर 16 से 18 घंटे वो सो रही है, बट सोते टाइम भी उनकी जो क्या कहते हैं, अलर्टेशन पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. और जो कैट है, उसे मीठा नहीं टेस्ट, जो स्वीट टेस्ट है, उसे फील नहीं कर सकती. ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पज़ल का है. ठीक है, यहाँ पे ज़िगज़ैग पज़ल दिया हुआ है आपको, इसमें क्या है, आपको पैरेट की पिक पिक्चर दी पिक,
पिक्चर शो की आप इसे एक कपबोर्ड में बना सकते हैं, जिसमें मर्जी बना सकते हैं। देन ये अपने आप ही पज़ल टाइप है, ये आप अपने आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, जो हमारा डाक खाना है, वो भी क्या करता है, अगर आपने देखा होगा अब तो चलो पोस्ट कम बहुत मिलती है, बट उन पोस्ट में अगर आपके घर में कभी कोई ऑफिशियल वर्क आता, फॉर एग्जाम्पल अगर आप LIC से भी कोई वर्क आ रहा घर में, अगर वो पोस्ट हो रहा है तो उसमें एक स्टैंप लगी होती है। विदाउट स्टैंपिंग क्या होता है, हम पोस्ट नहीं कर सकते कोई भी चीज़, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारी पिक्चर्स होती है, जैसे कई बार आपने चरखे की भी हो सकती है, टाइगर की भी उसमें पिक्चर होती है, उसके अलावा डिफरेंट एनिमल्स शो करते हैं इसमें, ठीक है। अब वो आप उसे कलेक्ट भी कर सकते हो, ये आपकी विश है। फॉर एग्जांपल आपको ये देखो, ये पिक्चर्स दी हुई है, पोस्टल स्टैम्प्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको एलिफेंट की दी हुई है, आपको लॉयन की दी हुई है, आपको पीको की दी हुई है, ठीक है। इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म। इसके बाद आपका थिंग्स टू रिमेंबर्स है आपको दी हुई है, आपको हमेशा यही याद रखना चाहिए, जो आपका वाइल्ड लाइफ है, कंजर्वेशन वीक वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, और जो बर्ड्स है वो क्या करती है, अर्थक्वेक जैसी चीज़ों को सेंस कर लेती है, और वाइट टाइगर क्या है, एक वैल्यूएबल गिफ्ट है, मीन्स बहुमूल्य गिफ्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको फिलिप्स है, मैचेट है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो आप इजीली इस चैप्टर से इन क्वेश्चंस को आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ आपका जो ये है चैप्टर ख़त्म, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।